Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजर रही है लाइफ आपकी बेटा? आज जो हमने लेसन स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 है. हमने डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं. बेटा हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है वो है 125 x की 3 माइनस 25 y की 3. बिफोर स्टार्टिंग द डिवीजन में आपको कुछ रूल्स है बेटा वो बता दूं. इसके अंदर रूल्स ये होता है कि आपने जो कोफिशिएंट और वेरिएबल आपके पास होता है, यहां पर जो फर्स्ट में कोई भी जो वैल्यू लिखी होती है उसके कोफिशिएंट और वेरिएबल के इक्वल लेके आना होता है, ताकि वो प्लस और माइनस हो तो वो जब डिवाइड उनसे में प्लस या माइनस करे तो वो वैल्यू जीरो हो जाए. तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वैल्यू हमने खत्म करनी होती है, फर्स्ट वैल्यू को जीरो करना होता है. उसके लिए हमें कोई भी कोफिशिएंट की जरूरत पड़े, कोई भी वेरिएबल की जरूरत पड़े, सबसे पहले साइन, फिर कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल. तीन चीजों का स्टेप याद रखें, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले साइन, फिर कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल. आपने इन तीनों चीजों को सेम करना है, साइन, कोफिशिएंट, वेरिएबल. अब देखिए बेटा हमारे पास पहला जो वैल्यू है वो 125x की 3 है, यानी कि x का क्यूब है. तो आपके पास पहली यहां पे वैल्यू क्या है? 5x. इसी से आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है. देखिए साइन प्लस का है बेटा, तीनों चीजें रिपीट में करता हूं, साइन, कोफिशिएंट, वेरिएबल. देखिए साइन प्लस का, इसलिए मैं कोई और प्लस की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन हम नहीं लगाते. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 125 बन जाए, यानी कि कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट पे पूरा करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से. 25 5 = 125. यहां पर एक एक्स की वैल्यू अवेलेबल है, हमें कितनी वैल्यू चाहिए? 3. तो हमें रिक्वायर्ड क्या होगी? 2. जो रिक्वायर्ड है बेटा वो आपने ऊपर लिखता जाना है, 25x की 2. अब 25x की 2 को अगर 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125x का क्यूब. कुछ बच्चे यहां पे जो मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो इसी से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को छोड़ देते हैं. नहीं बेटा, इसके साथ आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी टर्म्स आगे आएंगी, 1 2 3 है, उनको भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना जरूरी है. तो बेटा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 75x की 2y. 75x की 2 और y. बेटा 75x की 2y, यानी x की 2y की वैल्यू ऊपर अवेलेबल नहीं है. अगर ऊपर वैल्यू सेम आपको वेरिएबल वाली ना मिले तो आप उस वैल्यू को साइड पे लिख देंगे. क्या करेंगे? साइड पे लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू के आगे जो है नीचे इस वैल्यू को, यानी कि उनके अगली साइड पे नीचे ही इस वैल्यू को दर्ज कर देंगे. हमारे पास 75x की 2y आ गया जो हमने साइड पे लिख दिया. अब बेटा इनके साइन चेंज करने हैं. ये वैल्यू प्लस की थी माइनस कर दिया, ये माइनस की थी प्लस कर दिया. ये मैंने इसको ब्लू कलर से कट कर दिया, 125x की क्यूब माइनस 125x क्यूब, ये कट के जीरो हो गया. अब ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा पे लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द एक्स वेरिएबल हम इसको कर रहे हैं, तो हम इसको फर्स्ट में लिख लेंगे 75x की 2y, और ऊपर से नीचे क्या आ गया? 27y की 3 या वाई का क्यूब. अब बेटा देखिए 75 बनाना है, सबसे पहले हमें कौन सी चीज रिक्वायर्ड है? प्लस. वो हमने प्लस का साइन लिख दिया. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 75 बने? बेटा इसी वैल्यू को माइंड में रखना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट में. तो ये बन जाएगा 15, यानी कि 75. एक एक्स यहां पे मौजूद है, यहां पे एक्स की 2 है, तो हमें एक एक्स रिक्वायर्ड है, हमने एक एक्स ऊपर लिख दिया. यहां पर वैल्यू के साथ वाई भी है, तो बेटा आप वैल्यू के साथ ऊपर वाई भी लिख देंगे. अब 15xy को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 75x की 2y. ये तो पूरा हो गया बेटा, लेकिन अब इसको इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 बनेगा. क्या बनेगा? माइनस 45. साथ में क्या आ जाएगा? x और y की 2, x और y की 2. तो इस सेम 45 को हम नीचे यहां पे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 45xy की 2. इसी तरह माइनस 27 को हम नीचे लाके राइट कर देंगे, उसको हम सेम एज इट नीचे लाके राइट कर देंगे. आप देखिए बेटा हमें यहां पे 45 बनाना है. क्या बनाना है? 45. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 9 5 = 45. एक्स यहां पे अवेल है, यहां पे भी है, तो हमें कॉल जरूरत नहीं है, लेकिन वाई की 2 चाहिए. क्या चाहिए हमें? वाई की 2. तो हमने वाई की 2 ले ली. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45xy की 2 माइनस 27y की 3. तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया?
27y की 3, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास टोटल आंसर 45xy माइनस 27y की 3। तो हमने जब इनके साइन चेंज कर दिए तो दोनों वैल्यू बेटा कट हो गई और हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 45 मिसिंग था बेटा, वो मैंने पूरा कर दिया। 45 देख लें, 45 यहां पर आ जाएगा। आप इसको अगेन यहां पे लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा। 45 यहां पर आ गया, 9 = 45 बन जाएगा। x और y की 2 आ गया और ये -27y की 2। सेम एज इट, यही क्वेश्चन एज इट ये क्वेश्चन है। इसमें कोई चेंज, जो मेथडोलॉजी यहां पे इस्तेमाल की गई है वही आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेटा, इसके अंदर आपको क्या है कि आपको a की 6 चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a की 5 के साथ। a की 6 आ गया, जब a की 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a की 5b आ गया। सेम उनके साइन चेंज हो गए, ये कट गई, उस वैल्यू को अब यहां पे लें, a की 5b आ गया। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, a की 4 और b, b की 2 आपको रिक्वायर्ड है, 4 और b की 2 आपको बेटा रिक्वायर्ड है, सॉरी a की 5 और b, और a की जब इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, सेम एज इट आपका क्वेश्चन ये है। यहां पर वैल्यू a की 6 और -b की 6 दिया गया है, आपने a माइनस बी से इसे डिवाइड करना है। तो a की 6 रिक्वायर्ड है फर्स्ट डिजिट में, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, तो हमें इसी को लेके आगे चलना है। तो a की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की 6 आ जाएगा, a की 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a की 5b आ जाएगा। ये उठा के हमने यहां पे ले आए और b की 6 एज इट साथ में, फिर हमने इसे हमें देखे a की 5b बनाना था, तो a की 4b रिक्वायर्ड है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो a की 5b आ गया, b से किया तो -a की 4b की 2 आ गया। इसे उठा के हम यहां पे ले आए, इसलिए हमें चाहिए a की 4 चाहिए तो a की 3, b की 2 चाहिए तो b की 2। इसे हमने मल्टीप्लाई किया, a की 4 और b की 2 आ गया, और सेम एज इट जो है इससे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की 3 b की 3 आ जाएगा। साइन चेंज हुए, ये वैल्यू यहां, ये कट गई, ये वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब हमें चाहिए a की 2 b की, a की 2 b की 3, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए a की 2 b की 3 से मल्टीप्लाई किया, a की 3 b की 3 बन गया। जब b को इससे मल्टीप्लाई किया तो a की 2 और b की 4 बन गया। अब फिर साइन चेंज हुए, ये कट गया, ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब हमें चाहिए a की 2 b की 4, तो हमें चाहिए a और b की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और a की 2 और b की 4 बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा b से मल्टीप्लाई करने के बाद a b की 5। साइन चेंज हुए, ये कट गया, ये यहां पर आ गया। अब a तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि a ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें क्या चाहिए, b की 5, तो हमने उसे मल्टीप्लाई किया, b की 5 से a b की 5 आ गया और माइनस b की 6। अब दोनों के साइन चेंज हो गए, वैल्यू कट गई और हमारे पास इसका आंसर आ गया। बेटा याद रखिएगा, हमेशा से 3 चीजों को हमने काउंट करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले साइन, फिर कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल। और फर्स्ट वेरिएबल को, फर्स्ट वैल्यू को आपने खत्म करना है, दूसरी वैल्यू का जो भी आंसर आता जाए उसे आने दें। अगर ऊपर वैल्यू मौजूद है तो उसके वेरिएबल के नीचे लिखते, नहीं है तो इनकी तरह आप इनको साइड पे लिखते जाएं, ये ऑटोमेटिकली आखिर पे जाके खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।